यह डिक्टेशन संपादकीय लेख से है। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की जा रही है। सभी प्रशिक्षार्थियों को सलाह दूंगा कि अधिक से अधिक शब्द चिन्हों, वाक्यांशों और संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करें। इस डिक्टेशन के अंत में इस डिक्टेशन की आउटलाइन भी दी गई है। यदि किसी प्रशिक्षार्थी को आउटलाइनों की जरूरत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप एक मैसेज देंगे या मुझे कोई मैसेज करेंगे तो वो आपको आउटलाइन की पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएंगे। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ होगी। रेडी? माननीय सभापति महोदय जी, भगवान श्री राम हजारों वर्ष बाद भी भारतीय संस्कृति का आधार बने हुए हैं, तो इसीलिए कि वह हमारी चेतना में समाये हैं। राम जन्मस्थान पर बने मंदिर की तरह विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे अन्य अनेक मंदिरों को तोड़ा, लेकिन वे हमारे मनोबल और धार्मिक विश्वासों को नहीं तोड़ सके, क्योंकि हमारे आराध्य हमें संबल देते रहे। भगवान श्री राम केवल इसलिए हमारे आराध्य नहीं है कि वनवासी जीवन व्यतीत करते हुए उन्होंने शक्तिशाली राजा रावण को पराजित किया, वह इसलिए भी पूजनीय हैं क्योंकि वे पूरे जीवन काल में विनम्र और मर्यादित रहे और उन्होंने सदैव धर्म का अनुसरण किया। वैदिक संस्कृति के अनुसार सत्य के मार्ग का अनुसरण करते हुए उचित अनुचित का ध्यान रखकर अपने कर्तव्यों का पालन करना ही धर्म है। राम ने अपने जीवन में शिष्य धर्म, पुत्र धर्म, भ्रातृ धर्म, पति धर्म, मित्र धर्म, राजधर्म का आदर्श रूप में पालन कर एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। राम के चरित्र को जानकर ही हम समझ सकते हैं कि भारतीय दर्शन में कर्तव्य पालन का क्या महत्व है। भगवान श्री राम ने धर्म के मार्ग पर चलकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जो आदर्श स्थापित किए, वे आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। राम अपने पिता दशरथ के बाद अयोध्या की राजगद्दी संभालते, किंतु माता कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए वनवास की मांग कर दी। कैकेयी को दिए गए वचन की प्रतिज्ञा में बंधे राजा दशरथ को जब यह सूझ नहीं रहा था कि वह कैसे राम को वन जाने के लिए कहें, तब राम को जैसे ही पिता की समस्या का भान हुआ, उन्होंने राजसी वैभव त्यागने में संकोच नहीं किया। जहां इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा है कि राजगद्दी के लिए पुत्रों ने पिता
और भाई ने भाई को खत्म किया। वहां राम ने पिता के वचन की रक्षा के लिए अनुज भरत के लिए राजगद्दी त्याग दी। विश्व ऐसे उदाहरणों से भी भरा पड़ा है कि राजाओं ने दूसरे राज्यों को विजित कर उन्हें अपने अधीन कर वहां शासन किया, लेकिन भगवान श्री राम विभीषण को लंका का शासन सौंप कर अयोध्या लौट आए। हमारे लिए आवश्यक केवल यह नहीं है कि हम राम की वंदना करें, यह भी आवश्यक है कि हम उनके दिखाए मार्ग पर चलें और जन जन तक उनका संदेश पहुंचाएं। ऐसा करके ही हम राम राज्य की स्थापना के स्वप्न को साकार कर पाएंगे। स्टॉप। ये डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लगभग 5 मिनट की डिक्टेशन रिकॉर्ड की गई है। इस डिक्टेशन की आउटलाइन यह है, प्रशिक्षार्थी इसका भी अवलोकन करें और जहां उन्हें लगे कि उनकी सुविधा के लिए कुछ अच्छे शब्द या वाक्यांश लिखे गए हैं उनका भी अनुसरण करें। किसी भी प्रशिक्षार्थी को यदि ये आउटलाइनों की जरूरत है तो मेरे मोबाइल नंबर 9310330121 पर मैसेज देने पर आपको ये आउटलाइन की पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएंगे। और अगर किसी भी प्रशिक्षार्थी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी कर दें। साथ ही डिक्टेशन लिखने पढ़ने और आउटलाइन देखने के बाद कृपया अपने कमेंट भी दें ताकि मैं अगली वीडियो और उत्साह के साथ बना सकूं। अंत में एक बार फिर कहना चाहूंगा कि बार बार अभ्यास करें, आउटलाइन छोटी बनाएं, शब्दचिन्ह वाक्यांश याद करें, संक्षिप्त शब्द याद करें, आउटलाइन लिखते हुए आपकी आउटलाइन बहुत अच्छी तरीके से लिखी जानी चाहिए। लिखने के बाद आप उसे अवश्य पढ़ें, पढ़ने का अभ्यास भी करें। अंत में सभी साथियों को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।